नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल गृहलक्ष्मी में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए ये उपाय करेंगे काफ़ी मदद। साथ ही हम जानेंगे बुरी नज़र लगने से पहले मिलते हैं ये संकेत। बचपन से ही हम घर वालों से सुनते आए हैं कि काला टीका लगा लो वरना बुरी नज़र लग जाएगी। जब हमारे काम बिगड़ने लगते हैं या कुछ बुरा होने लगता है तो उसे बुरी नज़र का ही संकेत माना जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, और भी ऐसे कई लक्षण हैं जो बुरी नज़र होने के संकेत देते हैं। आइए जानते हैं। अगर आपका बच्चा बाहर तैयार होकर गया हो और उसकी किसी ने तारीफ कर दी, घर आकर वह बीमार हो जाए तो उसे बुरी नज़र का संकेत माना जा सकता है। बुरे सपने आना, माना जाता है कि अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को बुरा सपना आए तो उसे बुरी नज़र लग गई है। असहज महसूस होना, अगर आपको अक्सर घबराहट महसूस होती है या अचानक से ही डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है तो यह भी बुरा नज़र का संकेत माना जा सकता है। तुलसी का मुरझाना, अगर देखरेख के बाद भी आपका तुलसी का पौधा मुरझाने लगे तो यह भी बुरी नज़र का संकेत माना जाता है। ऐसा तब होता है जब बुरी इच्छा से कोई व्यक्ति आपके घर आता है। कलेश, अगर आपके घर को किसी की बुरी नज़र लग गई है तो आपके घर में हमेशा कलेश होने लगेगा, इससे सिर्फ नुकसान और हानि ही होती है। बरकत पर बुरा असर, अगर आपके घर की बरकत रुक गई है या तरक्की में बाधा आ रही है तो यह भी बुरा नज़र लगने का ही एक संकेत होता है। बिजनेस में नुकसान, अगर आप बुरी नज़र की चपेट में आ गए हैं तो आपको बिजनेस में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए अपनी जमा पूंजी का बखान नहीं करना चाहिए। अगर आपको भी ऐसे ही संकेत मिलते हैं तो तुरंत ही बुरी नज़र से बचने के कुछ खास उपाय कर सकते हैं। इन उपायों से घर को नज़रदोष और नकारात्मक ऊर्जा से दूर करें। अचानक से घर में सब कुछ अच्छा चलते चलते बुरा होने लग जाता है, जैसे घर में किसी का बीमार पड़ना, घर का विकास न होना, लड़ाई झगड़ा होना, बच्चा दूध नहीं पीता है, काम में मन नहीं लगना, घर में डर लगना आदि चीज़ें होना। ऐसे में आमतौर पर कहा जाता है कि किसी की घर को नज़र लग गई है या घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कहा गया है। ज्योतिष में नज़र उतारने के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के करने से बुरी नज़र का प्रभाव खत्म हो जाता है और आपका समय भी बच जाता है। आइए जानते हैं घर को नज़रदोष से बचाएं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के कुछ खास उपाय। घर में लगाएं इसका बंधनवार। ज्योतिष के अनुसार शुक्रवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्ते का बंधनवार टांग दें। अशोक के पत्तों का बंधनवार घर को बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियों से दूर रखता है। घर से दूर रहती है नकारात्मक शक्तियाँ। बुरी नज़र से बचने के लिए घर के मुख्य द्वार पर मोर के चित्र लगा दें। ऐसा करने से घर में आने वाली नकारात्मक शक्तियाँ और बुरी बलाएँ टल जाती है और धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगती है। ऊपरी बाधा का दोष होता है दूर। घर में ऊपरी बाधा या फिर नज़र दोष से बचने के लिए पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और घर की चौखट पर हर रोज पानी में हल्दी डालकर छिड़काव करें। साथ ही आप लोबान का धुआं बुरी नज़र से बचाने के लिए काफ़ी कारगर माना जाता है। नज़र लगे बच्चे पर करें ये उपाय। अगर बच्चे का विकास रुक गया है या बुरी नज़र लग गई है तो नमक, प्याज के छिलके, लहसुन, राई और सूखी लाल मिर्च, इन सबको नज़र लगे बच्चे से 7 बार उतारकर अंगारों पर डाल दें। जलने पर बदबू ना आए तो समझे नज़र लगी है। इस प्रकार से बच्चे से बुरी नज़र का दोष खत्म हो जाएगा। इस उपाय से हमेशा के लिए बुरी नज़र से बचें। घर को सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए शुक्रवार के दिन काले घोड़े की नाल को सरसों के तेल में भिगोकर रखें और फिर शनिवार के दिन तेल से निकालकर साफ कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करते हुए शनिदेव से प्रार्थना करें। इसके बाद यू आकार में घर के बाहर टांग दें और बचे हुए तेल को पीपल पर चढ़ा दें। ऐसा करने से बुरी नज़र के दोष से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।